बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान गोरी, आपका दोस्त अपने YouTube चैनल के साथ। दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं दोस्तों आपको ड्रामा सीरियल वैशी के मतलब कुछ बताऊंगा कि इसके अंदर आगे इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है और काफ़ी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि ड्रामा जो है आज इसकी 9वीं किस्त नशर हो चुकी है हम टीवी के ऊपर। 8 किस्तें इसकी आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि अब ड्रामे के अंदर काफ़ी थ्रिलिंग पॉइंट आना शुरू हो गए हैं, इंटरेस्टिंग शुरू हो गया। पहले 8 किस्त से 7 किस्तों के अंदर ऐसा नज़र आया कि ड्रामे में काफ़ी यानी कि एक अज़ियतनाक माहौल था कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद हुआ। पहली किस्त में बंदे यानी कि वो हो गए, दो बंदों की मौत हो गई इस ड्रामे के अंदर, और उसके बाद ही बच्चे जो थे दो, एक आसिफ है और एक छोटी बच्ची है सोबिया, जो दोनों शरारती, एक बच्ची जो है वो शरारती है, काफ़ी हट धर्म है और ज़िद्द करती है और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है, जबकि दूसरा लड़का जो आसिफ है उसको अपने वालिद की तरफ से काफ़ी प्यार मिला होता है, लेकिन जब उसके वालिद एक डकैती की वारदात में कत्ल कर दिया जाता है तो बाद में उसकी माँ जो है वो अपने भाई के घर पे रह रही होती है, तो वहाँ पे उसकी मामी उसके साथ काफ़ी बुरा सलूक करती है। फिर वहाँ से आसिफ की इग्नोरेंस शुरू हो जाती है और उसी की वजह से आसिफ के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, मारपीट होती है उसकी। उसको पहले वालिद से प्यार मिला होता है, माँ से भी प्यार मिला होता है, लेकिन जो उसकी मामी है वो उसके ऊपर काफ़ी तशद्दुद करती है, तंग करती है उसको। उसके बाद उसकी वालदा भी उसके ऊपर कम तवज्जो देना शुरू कर देती है। फिर उसकी वालदा अपने शादी कर लेती है एक दूसरी, तो पहले दिन तो उसके वालिद का रवैया सौतेला वालिद एक अच्छा रवैया होता है, लेकिन उसके साथ ही दूसरे दिन रवैया बदल जाता है और वो अपने बेटे आमिर के लिए काफ़ी अच्छी वो ख्वाहिशात रखता है, उसको वो कहता है कि जी इसकी मैंने ज़्यादा वो अच्छी वो करनी है। और आसिफ इसी वजह से फिर उसकी बिगड़ना शुरू हो जाती है आसिफ की, अपने सौतेले वालिद के साथ, अपनी मामी के साथ, अपनी वालदा की तरफ से भी वो यही कहता है कि जी आप तो मुझे मारते रहते हो, आप तो प्यार नहीं करते, मेरे वाल जो पहले अबू थे वो तो अच्छे थे, वो मुझे खिलौने भी देते थे। तो अब आपने 8वीं किस्त में देखा होगा कि अब इसके अंदर थोड़ा सा पहले एक काफ़ी गुस्से वाला माहौल था ड्रामे के अंदर, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और आसिफ भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो गया है, तो अब उसने अपने वालिद है जो उसका सौतेला वालिद है मुजीब, उसके साथ काफ़ी शरारतें वो कर रहा है। उसने पिछली किस्त में अपने जो बाबर अली किरदार अदा कर रहे हैं मुजीब का, सौतेले वालिद का, उसने उसको आँख भी मारी है और ताफ की तंज़ो मज़ाक अब मज़ाहरा शुरू हो गया है ड्रामे के अंदर, तो इससे अब थ्रिलिंग पॉइंट शुरू हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी इससे पिछले एक वीडियो के अंदर, ड्रामे की जो पहली एक थी वीडियो वैशी की, उसमें बताया था कि आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि खुशहाल खान है जो आसिफ अदाकार, उन्होंने कहा था कि इस ड्रामे के अंदर जो वैशी का किरदार मैंने अदा किया है काफ़ी मुश्किल था और इसके लिए मैंने काफ़ी काम भी किया, तो उन्होंने कहा ड्रामे के अंदर आसिफ जो लड़का है उसके अंदर बदलाव भी आएगा, तो ये अब जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं वो देखेंगे कि कैसे आसिफ के अंदर बदलाव आता है, किस तरह वो आगे जाके वो करता है। और दोस्तों एक और मैं इस ड्रामे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी अब ड्रामा जैसे बख्तावर चल रहा है इनका, उसमें अब एक ही स्टोरी हम टीवी में वो शुरू हो गया कि सिगरेट के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, बार बार सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर आसिफ को भी उन्होंने सिगरेट पे लगा दिया है, उसके जो दोस्त हैं और वो उसे कहते हैं कि जी तू परेशान है, तो परेशानी का हल जो है वो सिगरेट है, छोटा सा नीचे एक पैगाम देना शुरू कर देते हैं कि इंतबाह तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो भाई इन तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है का सिर्फ छोटे से पैगाम से ये मसला हल नहीं होगा। आप बार बार जब टीवी के अंदर ड्रामों के अंदर सिगरेट को दिखाएंगे, उसकी मशहूरी करेंगे, तो इसका मतलब है आप तो टीवी की अपना सिगरेट की मशहूरी करने जा रहे हैं, आप तो इसको एक ब्रांड बनाते जा रहे हैं। बच्चे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल है, लड़के हैं ख़ास तौर पर, वो जब देखेंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, नौकरी का मसला होता है, इम्तहान का मसला होता है, कितने प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो वो फिर कहेंगे कि जी सिगरेट जो है वो हमें सुकून देगी। और उसी की वजह से अब ड्रामा बख्तावर के अंदर भी आपने देखा है कि जो शीदा है वो बार बार सिगरेट पीता है, इतने हर सीन में शीदे को इन्होंने सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अब जो दिलावर है उसका वालिद है जो सियासतदान मलक साहब हैं जो बड़े, उनको भी उन्होंने सिगार पीते हुए दिखाया गया कि कैसे बख्तावर बख्तू को है जो वो कहता है कि मेरी टांगें दबाओ, और उसके बाद वो भी सिगरेट अपना सिगार पी रहे होते हैं, वो अपनी बेगम के सामने भी बैठ के सिगार पी रहे होते हैं, और नीचे एक पैगाम आ जाता है कि जी तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। अब ये वैशी के अंदर भी इन्होंने यही काम शुरू कर दिया कि उसकी 7वीं 8वीं किस्त के अंदर इन्होंने ये दिखाया कि वो आसिफ जो है बड़ा हो गया और अब वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा। उसके बाद तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक दो दफ़ा दिखा दें, उसके बाद सिर्फ एक पैगाम दे दें कि भाई ये सिगरेट मसले का हल नहीं होती, नशे पे लग जाते हैं लोग,
लेकिन अब पता नहीं क्या है ड्रामा लिखने वालों को, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हदायतकार हैं, कि किस तरह वो इसको देखते हैं। तो इनको नोटिस लेना चाहिए कि बार बार सिगरेट को ना दिखाया जाए, और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए सिगरेट की और शराब की और दीगर जितनी भी जो हैं, गुटखा है, पान है, ऐसे सीन ना डालें ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो ना करें। अभी इन्होंने बख्तावर के अंदर भी देखें कि बख्तू को उन्होंने सिगरेट पे लगा दिया। अब एक यानी कि अब लड़कियां देखेंगी कि भाई बख्तू भी लड़की ही है, उस वो भी सिगरेट पी गई, यानी कि थी तो वो लड़की, तो वो कहेंगे कि भाई अब बख्तावर ने सिगरेट पी लिया तो हम भी फिर सिगरेट पी के अपनी जो टेंशन है, परेशानियां, उनको दूर कर सकते हैं। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात हो रही थी ड्रामा सीरियल वैशी की, आज 9वीं किस्त इसकी नशर हो चुकी है हम टीवी चैनल के ऊपर, और ड्रामे के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे। अब देखते हैं आसिफ आगे क्या करने जाएगा, अपने वालिद के साथ किस तरह रहेगा, अपनी वालदा के साथ कैसे रहेगा, और उधर जो सोबिया है, जो कोमल मीर किरदार अदा कर रही हैं, वो कैसे अब ये दोनों मिलेंगे आपस में, आसिफ और सोबिया मीर, कोमल मीर जो है वो लड़की सोबिया, आसिफ और सोबिया दोनों मिलेंगे इनकी। अब वो बातचीत ये होगी कि आमिर के साथ शादी कर दी जाए और आसिफ के साथ वो मिलेगी जब सोबिया, तो फिर देखते हैं कि इन दोनों का आपस में कैसे टकराव होता है। दोनों अपने तरफ से, अब बच्चों को जहीन दिखाया गया है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है और कहती है कि मैंने आगे बन कुछ बनना है, और इधर आसिफ है जो वो भी एक जहीन बच्चा दिखाया गया है और वो चाहता है कि मैं भी बाहर जाकर तालीम हासिल करूं, लेकिन जो उसका सतेला वालिद है वो भी उसे कहता है कि भाई नहीं, वो अपने सगे बेटे आमिर के लिए कोशिश कर रहा है कि वो बन जाए। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे स्टोरी के अंदर कैसे थ्रिल आएगा, किस तरह यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाएंगे इसको। लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बच्चों के मसाइल के ऊपर ये ड्रामा एक अच्छा यानी कि ड्रामा इन्होंने बनाया कि काफ़ी मार धाड़ हुई है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया है। तकरीबन 6 किस्तों में इन्होंने छोटे छोटे बच्चे दिखाए हैं, उसमें जो हमारे चाइल्ड स्टार हैं उन्होंने किरदार अदा किया है इस ड्रामे के अंदर, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो ऐसा यानी कि काफ़ी बच्चों को इन्होंने बदतमीज़ भी दिखाया है, और हो भी जाते हैं बच्चे ऐसे, क्योंकि बार बार जब बच्चों को तवज्जो ना दी जाए या उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए तो बच्चे ऐसे मसाइल पैदा करते हैं और शरारतें भी करते हैं, ज़िद्द भी आ जाते हैं, हठधर्मी पर उतर आते हैं। तो ये ड्रामा बच्चों के हवाले से एक अच्छा है कि किस तरह बच्चे यानी कि अगर शुरू में पहले उनको प्यार मिलता है या शुरू में ही उनको नफरत मिलना शुरू हो जाती है वालदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, मामी, चाची, ताया, ताई, फुप्पो और दीगर रिश्तेदार होते हैं जहाँ की वजह से इनको बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो फिर ये इनमें नफरत पैदा हो जाती है। और वो जैसे अब ये सोबिया है, ये अपने वालिद से नफरत करना शुरू कर देती है और वो कह देती है कि अच्छा हुआ मेरे अब्बू जो है वो मर गए हैं, यानी कि अब ये छोटी सी बच्ची है, क्योंकि अब वो बच्चों को तो पता नहीं होता, समझ नहीं होती, वो तो अपनी सिर्फ ख्वाहिशात को देखते हैं कि जी हमें ये मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छा ड्रामा है, और इसमें काफ़ी तशद्दुद भी किया गया, थोड़ा सा कम तशद्दुद दिखाया जाता बच्चों को, जो बार बार थप्पड़ मारे जाते हैं उनको वो किया जाता है। तो अब ओवरऑल अभी तक तो ड्रामा एक अच्छा जा रहा है, आगे इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है, और अब देखते हैं कि आगे किस तरह इस ड्रामे को लेकर जाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।